अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कॉफ़ी पॉलिशर। इसको आप अर्जेंट फेशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको करने के बाद आपको ना पॉलिशर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलें जी, मैं अब आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपने इस पॉलिशर को कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है कॉफ़ी, और कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है। तो अगर आप एक फेस के लिए बना रहे हैं तो इसमें हाफ टी स्पून आप कॉफ़ी पाउडर लेंगे, जो इंस्टेंट कॉफ़ी आपको नॉर्मल बाज़ार में मिलती है। और इसके साथ जी हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून योगर्ट। ठीक है, योगर्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा। और थर्ड जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा, थर्ड इंग्रेडिएंट इसका है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है। ठीक है, ये एक फेस के पॉलिशर की बात हो रही है, तो हाफ टी स्पून इसमें एलोवेरा जेल चलेगी। एलोवेरा जेल जो है वो सूदिंग इफेक्ट देगी। और फोर्थ इंग्रेडिएंट इसका जो है वो है जी बेसन। ग्राम फ्लोर हमने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लिया है, तो हमें मास्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक फुल पैकेज है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है जी लेमन। लेमन मैंने हाफ लेमन तकरीबन स्क्वीज कर दिया, आप 1 टीस्पून समझ लें। ठीक है, और ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपका कंप्लीट फेशियल है। आपको कहीं जाना है तो आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं अपने फेस पे, तो इस फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले आपने इसको अपने फेस पे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा रहने देना है, और उसके बाद जब ये लगा रहेगा फिर आपने इसका 5 से 10 मिनट के बाद आपने हाथ गीले करके इसका अच्छे तरीके से मसाज करना है और इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये है कि ये साइड इफेक्ट इसके कोई नहीं है और ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा। अगर आप मंथ में एक दफ़ा बाल ब्राउन करने के लिए ब्लीच करते हैं तो उसके बाद वीक में एक दफ़ा इस पॉलिशर को लाजमी यूज़ करें, तो आपके फेस पे ग्लो कभी भी जाएगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी अच्छी लगी होगी आपको, और समर में अपनी स्किन केयर के लिए आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे। यूज़ करके फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और आप लोगों को आजकल मेरी वीडियोस जो फेशियल पे मैं बना रही हूँ बहुत पसंद आ रही हैं। आप यकीन करें, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपसे अब इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।